शख्सियात के हवाले से जो डिप्रेशन की कितनी नुकसान है उसमें से कुछ सीधा सीधा साम जो हमारे नाउलिंग के साथ शेयर करें ताकि उनको पता हो कि इस वक्त मैं डिप्रेशन के अंदर जा रहा हूँ और ये कौन सी किस्म है। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो सोशल प्रेशर है किसी वजह से अगर और ये खासतौर पर खवातीन के मामले जी तो ये भी बढ़ के आगे क्लिनिकल डिप्रेशन में चला जाता है जिसको मेजर डिप्रेशन कहा जाता है। अगर ये दो हफ्ते से ज्यादा रहता है और आप इरिटेबल मूड रहता है या आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं तो आपको किसी फिजिशियन से डॉक्टर से माहिर नफ्सियात से रब्ता कर लेना चाहिए। अगर ये परसिस्टेंटली रहता है अगर दो साल से ज्यादा रह रहा है मुसलसल या उससे भी ज्यादा तो वो ये क्रोनिक डिप्रेशन में आ जाता है परसिस्टेंट डिसऑर्डर में ये शुमार होता है। इसके अलावा एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन है हमारे पाकिस्तान में खवातीन इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रही है 80% खवातीन शिकार होती हैं लेकिन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती अमूमन दो हफ्तों के बाद वो इसमें से निकल आती हैं। अगर वो ठीक हो जाती है अगर उनके फैमिली मेम्बर उनको हेल्प आउट कर देते हैं काउंसलिंग करते हैं या उसका साथ देते हैं तो वो निकल आती है लेकिन बहुत सारी खवातीन नहीं निकल पाती वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाती है वो रोना धोना या सैड रहना या इंटरेस्ट किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं शो करती है।